नमस्कार सभी अभिभावक बंधुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि हमने ये अभियान लिया था कि बच्चों से कैसे हम संवाद रख सकते हैं, और इस समय विशेष करके आपसे सीधा संवाद, अभिभावकगण से सीधा संवाद करने का जो मन था, मुझे आशा है कि आप अपने परिवार सहित सब लोग सानंद होंगे, और जो परिवार के सदस्य दूसरी जगह गए होंगे वो भी निश्चित रूप में सुरक्षित होंगे। ये दुनिया का बहुत बड़ा संकट है और इस संकट का हमको मुकाबला करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आह्वान किया पूरा देश एकजुट होकर के और एक-एक शब्द का पालन करके अपनी सुरक्षा, समाज के, अपने देश, अपने परिवार की सुरक्षा में हम सभी लोग बहुत एकजुट रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी का विषय है और पूरे देश के लिए कि पूरा देश बहुत अनुशासित रह करके, हालांकि बहुत सारी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिंदगी से बढ़ करके तो दूसरी कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। और इसलिए ये जितने भी कठिनाई आई हैं हम जल्दी इसका मुकाबला करेंगे और इस संकट से जल्दी बाहर निकलेंगे। निश्चित रूप में इस देश में शिक्षा विभाग भी इससे प्रभावित रहा है, और क्योंकि यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें 1,000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, यदि देखा जाए तो लगभग 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से अधिक छात्र छात्रा हैं। मुझे लगता है कि कुल ना अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी नहीं है उतना इस देश में युवा है, छात्र छात्राएं हैं, तो स्वाभाविक ही है कि उनके सामने भी ये कठिनाई आई है। और मुझे इस बात का की खुशी है कि सब छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने घर की लीडरशिप ली और बहुत अनुशासित रह करके अपनी भी सुरक्षा की और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखा है। हमने शिक्षा विभाग में जब ये परिस्थितियां आई तो कुछ दिन के बाद, जब एक के बाद एक फिर ऐसा लगा कि अभी लॉकडाउन खुलेगा नहीं, तो हमने 1 से 8 तक बच्चों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया था। और उसके बाद जो 9वीं है और 11वीं है उसको इंटरनल जो परीक्षाएं होती हैं उसका मूल्यांकन के आधार पर उनकी पदोन्नति दूसरी कक्षा में ले जाने का निर्णय लिया था। और इंटर कुछ राज्यों ने तो अपनी हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षाएं कर ली थी, कुछ राज्यों ने एक बोर्ड की दूसरे की नहीं की, उसने दोनों की नहीं की। और कुल मिलाकर के अभी यदि देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड की 83 परीक्षाएं अभी रही हुई हैं, लेकिन इनमें से केवल 29 ऐसी परीक्षाएं हैं जिन 29 परीक्षाओं को, जो मूल विषय हैं उनमें हम परीक्षा लेंगे। जब भी सामान्य स्थिति होगी और भारत सरकार ये निर्णय लेगी कि अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर उन परीक्षाओं को कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमने इन परीक्षाओं के बारे में सोचा है, वहीं जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि बहुत सारे नवयुवकों की बहुत चिंता थी कि जेईई की परीक्षा थी, नीट की परीक्षा थी और तमाम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि वो अपने भविष्य को तलाशता है, तराशता है, तो उन परीक्षाओं को भी हमने पीछे किया है। और जब भी सामान्य स्थिति होगी उसके बाद उन परीक्षाओं को हम कर सकेंगे। इस बीच बहुत सारे निर्णयों को हम लोगों ने लिया। एक तो ऑनलाइन हमारा पाठ्यक्रम कैसे शुरू हो सकता है, हमारा छात्र छात्रा हमारे ऑनलाइन से कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर हम लोगों ने कोशिश की। और ऑनलाइन में स्वयं है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, ई पाठशाला है, इन माध्यमों से, इन जो प्लेटफॉर्म हमारे पास थे इनके माध्यम से हम
छात्र तक पहुंचे हैं, पहुंचने की हमने कोशिश की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां स्वयं पर, स्वयं भी हमारा दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम देश और दुनिया के छात्र, चाहे स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, वो सभी उसका उपयोग करते हैं। और स्वयं प्रभा हमारे 32 चैनल हैं, 24 घंटे चलते हैं। और ये स्वयं प्रभा के जो 3200 चैनल है, ये डिश टीवी पर भी आएंगे, डीटीएच पर उपलब्ध होंगे और टाटा स्काई पर भी वो उपलब्ध होगा। तो अकेला दीक्षा, जो दीक्षा स्कूली शिक्षा का, जिसमें 80,000 से भी अधिक पाठ्यक्रम हमारे हैं, वस्तु सामग्री है, उस दीक्षा पर अकेले अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 12 करोड़ बार उसका उपयोग छात्र छात्राओं ने किया है। कुल मिलाकर के अभी तक 16 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं ने इस ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग अभी तक इसी समय में किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप में इस बात को कह सकते हैं कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और इसको हम और तेजी से विस्तार दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी 12 सितंबर 2019 को विद्यादान एक हम लोगों ने सीबीएसई के कार्यक्रम में उसको लॉन्च किया था, जिसमें हम सभी देश के शिक्षाविदों से, अध्यापकों से, संस्थाओं से अनुरोध किया था कि वो बच्चों के लिए जो भी ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम के वीडियो सहित जो भी अन्य सामग्री है वो दान दें, उपलब्ध कराएं। और मुझे खुशी है कि उसमें भी 9,000 से अधिक ऐसी पाठ्य सामग्री, बहुत ही आकर्षक सामग्री हमको उपलब्ध हुई है। और उसके बाद अभी हाल में ही हमने विद्यादान 2 को भी अभी लॉन्च किया, जिसमें देश के सभी सभी लोगों को हमने फिर अनुरोध किया है कि ऐसे वक्त पर, जबकि पूरी दुनिया इस त्रासदी से जूझ रही है और देश भी इससे अछूता नहीं है, मेरे छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है, और ऐसे वक्त पर सभी शिक्षाविद, सभी संस्थाएं, सभी अध्यापक गण और सभी विशेषज्ञ गण अपना कुछ ना कुछ उस पाठ्यक्रम को आकर्षक तरीके से ऑनलाइन के लिए तैयार करके हमको उपलब्ध कराएं, ताकि हम अपने इन पोर्टलों, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से बच्चों तक उसको ले जा सकें। मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो बहुत अच्छी सामग्री देंगे। अभी हमने अपना जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको भी जारी किया है, और उसमें उस कैलेंडर को एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है कि किस तरीके से, किस समय पर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और आप जैसे, आपको पता है कि हमारे उच्च शिक्षा में हमारे विश्वविद्यालय हैं जो बहुत अच्छा शोध कर रहे हैं, और हमारे IIT हैं, IIIT हैं, NIT है, ICER हैं, IIM हैं, तमाम हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं शोध और अनुसंधान में जुटी हैं। इसलिए हमने अभी कुछ दिन पहले एक युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। ऐसा युक्ति वो पोर्टल होगा जिसमें सभी संस्थाओं के द्वारा जो इस बीच शोध और अनुसंधान हो रहा है वो सब एक जगह संग्रहित हो, एक जगह है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे तमाम संस्थानों ने बहुत अच्छे शोध और अनुसंधान किए हैं, जिसका लाभ अपने देश को मिलेगा। जो चीज हमारे देश के अंदर अभी तक पैदा नहीं होती थी, उत्पादित नहीं होती थी, उसका सृजन नहीं हो पाया था, वो चीजें भी अब उत्पादित होंगी। और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट और स्टैंड अप, हमारे देश में ही हम अपने कौशल का विकास करके और यहीं पर अपनी चीजों को उत्पादित करेंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। उस दिशा में निश्चित रूप में हमारे जो छात्र, प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, बहुत तेजी से आगे काम कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले हमने भारत पढ़े ऑनलाइन ये भी अभियान दिया था। आप सब लोगों से निश्चित रूप में
आज जुड़े होंगे और मुझे भरोसा है कि आपने भी उसमें सहभागिता दी होगी। उसका भी यही था कि आप क्या सोचते हैं, को सुझाव दीजिए आप कि हम ऑनलाइन अपनी चीजों को किस सीमा तक और कहां तक बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, हजारों सुझाव आए हैं, बहुत ही प्रेरक सुझाव आए हैं। हम उन पर भी अपेक्षाकृत तो काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर जबकि पूरी दुनिया एक भयंकर त्रासदी से होकर के गुजर रही है और हमारे सामने भी कम चुनौती नहीं है, लगातार चुनौतियां हैं। और हमारा छात्र छात्राएं जो पढ़ने में बहुत होशियार हैं और मुझे उन पर बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं स्कूली छात्र से लेकर के और उच्च शिक्षा तक देखता हूं कि हमारे पास वजन की कमी नहीं है, हमारी प्रतिभा की कमी नहीं है। तो ऐसे समय में वो घरों पर हैं और स्वाभाविक ही है कि ऐसे वक्त पर आप जुड़े हैं। ये कोरोना की जो महामारी है ये बहुत सारी चीजों को हमको सोचने के लिए भी मजबूर करती है और बच्चे के साथ संवाद को भी बढ़ाती है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने तब ये भी कोशिश की थी कि जो गरीब बच्चे हैं वो मिड डे मील उनके घरों तक पहुंचे। सभी राज्य सरकारों से हमने उस समय भी अनुरोध किया था कि कैसे भी करके हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो वहां तक, जो भारत सरकार की ये मिड डे मील योजना है उसको, मध्यान्ह भोजन भोजन है उसको, हर हालत में वो पहुंचे। मैं समझता हूं कि ये इस समय जिस तरीके से हम लोगों ने ये काम करना शुरू किया है और ऑनलाइन पर जिस तरीके से हमारा छात्र जुड़ रहा है और आपका भी सहयोग मिल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आगे इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम एक मिशन मोड में इसको लेकर के जाना चाहते हैं। तो मैं एक बार फिर आप सभी अभिभावकगण का मैं आभार प्रकट कर रहा हूं क्योंकि इस चुनौती से आप भी जूझ रहे हैं और हमारे देश का जो भविष्य है, जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं वो आपके संरक्षण में है टोटली इस समय। और इसलिए उनसे लगातार संवाद हो, वो ऐसा महसूस ना करें कि वो किसी कमरे में कैद हो रहे हैं, बल्कि वो हंसी खुशी और मस्ती के साथ अपने पाठ्यक्रम को भी देखें। और अभी कुछ दिन पहले, दो दिन तीन दिन पहले हमने एक और अभियान लिया था कि माई बुक माई फ्रेंड, क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर यदि दोस्त है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाता है और कभी आपको छोड़ के नहीं जाता बल्कि हर कदम पर आपकी मदद करता है, वो है आपकी किताब, वो है आपका ज्ञान। और इसलिए हमने कहा कि पाठ्यक्रम से भी हट करके वो कुछ न कुछ ऐसी किताब को जरूर पढ़े ताकि हमेशा उसके जीवन में उसके वो काम आ सके। तो एक बार मैं फिर आप सबका, पूरे देश के अभिभावकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। कल हम देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वैसे तो मैं लगातार शिक्षा विभाग में कभी देश के सभी प्रदेशों के शिक्षा सचिवों से बात करता हूँ, कभी निदेशकों से बात करता हूँ और कभी शिक्षा मंत्री गण से बात करता हूँ। हर स्तर पर हम लगातार बात कर रहे हैं लेकिन कल पूरे देश के शिक्षा मंत्री एक साथ हम जुड़ेंगे और परामर्श करेंगे आगे और क्या उनके सुझाव हो सकते हैं अपने अपने राज्यों में। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा राज्यों का विषय होता है, समवर्ती सूची में है शिक्षा, और लेकिन राज्य और केंद्र सरकार मिल करके हम अपने बच्चे को कैसे करके बेहतर से बेहतर उसको बढ़ा सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, उसको पाठ्यक्रम ऐसे वक्त पर उस तक पहुंच सकते हैं जब उसको जरूरत है। तो मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपके बहुत सारे सुझाव भी मुझे मिले हैं और बहुत सारे कुछ आपकी जिज्ञासाएं थी वो भी मुझे मिली हैं। तो कुछ जो आपकी जिज्ञासाएं हैं कुछ हम यहाँ पर आप कहिए तो मैं उनका कोशिश करूंगा कि मैं उत्तर दे सकूं। और यदि आपको उसके बाद भी ऐसा लगेगा कि नहीं और भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो जरूर आप अपने सुझावों को मुझ तक देंगे तो मुझे खुशी होगी और हम उन सुझावों पर काम करेंगे। अभी तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से अशोक कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं और बारहवीं की कुछ विषयों की परीक्षाएं अभी शेष हैं, इन परीक्षाओं को कब तक करवाया जाएगा।
अशोक जी, मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी 10वीं की और 12वीं की बहुत सारी परीक्षाएं अभी रही हुई हैं, और वो जो कुल 83 विषयों का है, जिसमें से अधिकांश वैकल्पिक विषय हैं, लेकिन जो मूल विषय हैं वो 29 विषय हैं। और ऐसे उन 29 जो विषय हैं, 29 विषय, उनकी परीक्षा हम करेंगे। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, लॉकडाउन खुलेगा, वैसे ही हम निश्चित रूप में इन परीक्षाओं को करेंगे। मैं छात्रों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे, कि बच्चे को मस्ती के साथ वो और अच्छा अध्ययन करता रहे, और पूरा 24 घंटे आप उसको पढ़ाई के लिए बहुत दबाव मत दीजिए, थोड़ा सा उसको मुक्त भी रखें। और लेकिन वो इस बात के लिए तैयार रहे कि हाँ, जैसे ही सामान्य स्थिति होगी, उसको उन 29 मुख्य विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी, और जो शेष विषय वैकल्पिक विषय हैं, उन वैकल्पिक विषयों को उसके पीछे के जो उसके नंबर्स होंगे, उन नंबरों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। सीबीएसई का जो उसकी वेबसाइट है, उस पर भी बहुत सारे हमने सूचनाएं दी हैं, पाठ्यक्रम डाले हैं। और आपको मालूम है कि जो कुछ जो परीक्षाओं तो हो गई थी, लेकिन उसकी कॉपियां चेक नहीं हो पाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी बीच वो कॉपियों का निरीक्षण भी शुरू हो जाए। तो ये बच्चों को से मैं कहना चाहता हूं कि वो उस बारे में अपनी तैयारी रखें। दूसरा प्रश्न, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा से अजय मोहंती जी। अजय जी, आप कह रहे हैं कि मैं एक छात्र का अभिभावक हूं जिसने अभी तक 10वीं कक्षा की परीक्षा दी है, हम 11वीं कक्षा के लिए कैसे और कब आवेदन कर सकते हैं? और मुझे लगता है कि 10वीं की परीक्षा आपके बच्चे ने दी है और रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आएगा। 11वीं के लिए ऑनलाइन हम लोगों ने ये पाठ्यक्रम दिया है, जैसे कि मैंने कहा है कि स्वयं है, स्वयं पर भी एनसीईआरटी ने 28 विषयों में, 12 विषयों में 28 पाठ्यक्रम दिए हैं, और दीक्षा पर 80,000 से भी अधिक आकर्षक पाठ्य सामग्री है। और मुझे लगता है कि यदि आप इनको टटोलेंगे, स्वयं और स्वयं प्रभा और दीक्षा ई पाठशाला, तो आपको निश्चित रूप में वो सामग्री मिल जाएगी। और मेरा सुझाव रहेगा कि ऑनलाइन ये पढ़ना शुरू कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं और छात्रों को भी कहना चाहता हूँ कि जो दीक्षा है हमारा, वो दीक्षा पर जहाँ 80,000 से भी अधिक पाठ्य सामग्री है, उसमें चाहे व्याख्यात्मक वीडियो है, वो अनुभव के आधार पर सामग्री है, गतिविधियां हैं, गेम्स इत्यादि तक भी उसमें आपको उपलब्ध हो जाएगा। और जो सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने ऑलरेडी इसमें अपने पाठ्यक्रमों को जोड़ा है, उसमें अपलोड किया है, और ई पाठशाला में 1,886 तो वीडियो हैं, और ऑडियो भी लगभग लगभग 2,000 के आसपास हैं, और ई बुक भी 996 उसमें है। तो मुझे लगता है कि ई पाठशाला का भी आप पूरा उपयोग कर सकते हैं। जी, दिल्ली से महेश जी। महेश जी, आप कहते हैं कि मैं दिल्ली का छात्र हूं और 2019 में कक्षा 12वीं कर चुका हूं। मैं इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, अपने करियर को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। महेश, आपको तो मालूम है कि हमने जेईई की परीक्षाएं और नीट सहित सारी परीक्षाओं को पीछे कर दिया है, और आपको चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको तो मालूम है कि हमने पहले से ही ऑनलाइन पर, और सोदा सोच छात्रों को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और जो आगे उच्च शिक्षा में जाने वाले हैं, हमने बहुत सारे ऑनलाइन, जहाँ स्वयं और स्वयं प्रभा उच्च शिक्षा में इसको बहुत ऊंचाइयां दी हैं, उसका पाठ्यक्रम दिया है, आकर्षक सामग्री दी है। वही हम लोगों ने चाहे अंतर विषयी शोध हो, स्ट्राइड हो, इम्प्रिंट हो, इम्प्रेस हो, बहुत सारे
ये शोध और उसके बारे में जो प्रतियोगिता में आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। मैं समझता हूँ शायद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको ताकत के साथ तैयारी करिए। आपको तो ये जो वक्त मिला है, इस वक्त को आप और ताकत के साथ संजोइए तो आपको उसका लाभ मिलेगा। गुवाहाटी गुवाहाटी से श्रीमती तालुकदार बोल रही हैं, प्रणीता जी। प्रणीता जी, कोरोना संकट में हमें यह बता दिया है कि आने वाले समय में ऑनलाइन शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा जोखिम से बचने का सबसे सटीक उपाय है, तो क्या इस प्रणाली और सुदृढ़ और सुगम बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? आपको तो मालूम है कि पूरी दुनिया कैसे संकट से गुजर रही है, और पूरी दुनिया इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रही है कि समय से पहले जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त कदम उठाया और उनके आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो गया, तो जो 130 करोड़ लोगों का देश है वो आज तक सुरक्षित है, संभला हुआ है। नहीं तो लोग कल्पना नहीं कर सकते जिस तरीके से छोटे छोटे देश बिल्कुल तबाही मची हुई है। ऐसे समय में हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनमानस एकजुट होकर के कभी एकता के प्रतीक के रूप में थाली बजाता है, ताली बजाता है, कभी एकता के रूप में दियों को जला करके अंधेरे को मिटाने की बात करता है। अद्भुत अद्भुत पूरे देश ने काम किया है। हाँ, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक दूराइयां, ये जो दूराइयां बनाए रखने का ये मंत्र है, और अपने को जितना सुरक्षित रख सके वो आपकी सुरक्षा आपके हाथ पर है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे मंत्रालय ने भी हमारे अपने छात्रों को ये अनुरोध किया है, अपने अभिभावकों से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज आपकी सुरक्षा आपके हाथ पर है, जान है तो जहान है, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप सुरक्षित रहिए, आपका परिवार आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो ये चीजें, ये जो संकट है इसका तो हम पार कर लेंगे, लेकिन जब जीवन सुरक्षित रहेगा तो ही पार कर सकते हैं। और इसलिए किसी चीज को आप उस दुविधा को उस संकट को आमंत्रित बिल्कुल मत करिए। आपकी सुरक्षा, यदि अभी तक आप सुरक्षित हैं इसका मतलब यदि कल भविष्य में किसी के साथ कुछ होता है तो वो उसके अपने हाथ की बात होगी कि कहीं ना कहीं वो लापरवाहियां कर रहा होगा। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ पर है, ये जो दूराइयां बनाए रखने का और जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ आयुष मंत्रालय के सुझाव हैं, उन सुझावों पर हम लगातार उनका पालन भी करते रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो अभी एक ऐप जो है यहाँ पर जारी किया है, और वो जो सेतु है वो उसको आरोग्य सेतु को सारे के सारे लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसे आप अपना समय समय पर वो जो निर्देश आपको मिल रहे हैं उसका पालन कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। मेरा विनम्र आग्रह आपसे, ये बहुत जरूरी है। उस जो आरोग्य ऐप है आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें सारे निर्देश समय समय पर मिलते रहते हैं, और उसके लिए आपके लिए उपयोग ये है कि दूराई पर भी आपको ये पता चल जाता है कि कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति तो आपके आसपास नहीं है, तो आपके लिए लाभदायक है। तो इसलिए मंत्रालय ने भी लगातार इस दिशा में कोशिश की है, और मैं अपने छात्रों से भी लगातार संवाद, अध्यापक गण से भी संवाद बनाने की लगातार कोशिश करता रहा हूँ। पीछे के समय में मैंने सभी अपने विश्वविद्यालयों के कुलपति गण के साथ लगभग 4-5 घंटे तक लगातार ऑनलाइन चर्चा की, ऐसे मैंने IITs के डायरेक्टर्स के साथ की, हम लोग लगातार संवाद किए हुए हैं। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप इस संवाद को लगातार करेंगे और इस सुरक्षा की दृष्टि से अपने को दूराइयां बना करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी, दीपू अरविंद जी, दीपू अरविंद जी केरल से, केरल से दीपू अरविंद जी बोल रहे हैं कि कोरोना संकट में चल रहे लॉकडाउन उनके कारण लगभग 2 महीने के शैक्षणिक जो क्षति हुई है उसको आप मंत्रालय विद्यालयों को कैसी कटौती करने पर विचार कर रहे हैं? आपको तो मालूम है कि जो ये क्षति हो रही है समय की, उसको हम पाटने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसलिए सीबीएसई के अधिकारियों को हमने पहले ही निर्देश दिया था कि वो नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी करें। और मुझे भरोसा है कि आप चिंता मत करिए दीपू जी, आप आपको कोई समय आपको खराब नहीं होगा। हम समय को कैसे करके संयोजित कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, हमारी कोशिश है। और आप बिल्कुल चिंता मत करें, सीबीएसई के समय समय पर आपको निर्देश मिल रहे होंगे। सीबीएसई बोर्ड की साइट में जाकर के आप निश्चित रूप में देख सकते हैं, जो समय समय पर उनका निर्देश मिल रहा है उसको आप जरूर और जरूर करके देखिए जी। उत्तराखंड से आभा जी, ये आप क्या कहना चाहते हैं आभा जी? महोदय, लॉकडाउन के कारण केंद्रीय विद्यालयों द्वारा की गई ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था सराहनीय है, किंतु उन विद्यार्थियों जिनके परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं को एनसीईआरटी की पुस्तकें कब तक उपलब्ध हो पाएंगी? आभा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको जैसे कि मालूम है कि अभी भारत सरकार ने जो किताबों की दुकानें हैं उनको भी एक समयबद्ध तरीके से खोलने का निर्देश दिया है। और ये सीबीएसई की जितने भी किताबें हैं और एनसीईआरटी ने हमको आश्वस्त किया है, मैंने जब अभी समीक्षा की थी तो एनसीईआरटी के निदेशक और उनके अधिकारियों ने मुझे अवगत कराया कि हमने लगभग सभी राज्यों में अपनी पुस्तकों को भेज दिया है। तो यदि सभी राज्यों में तक वो पुस्तकें पहुंच गई हैं तो उन दुकानों तक निश्चित पुस्तकें पहुंच गई होंगी। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो दूरी बनाए रखें, दुकान पर भी जाएं अपनी किताबों को लेने के लिए तो पर्याप्त दूरी बना करके रखेंगे और अपनी किताबों को ले सकते हैं। और वैसे तो आपके ऑनलाइन पर भी वो सब किताबें सीबीएसई बोर्ड ने जो है और एनसीईआरटी ने अपने सब किताबें दीक्षा पोर्टल पर डाल दी हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किताबें भी आपको मिलनी अब शुरू हो जाएंगी जी। जम्मू कश्मीर से श्रीमती कामिनी जी पूछ रही हैं कि 1 से 3 के बच्चों की आय भी बहुत छोटे होते हैं, बिना अभिभावकों के सहयोग के टेक्नोलॉजी और उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि छोटे बच्चों के लिए कोई रुचिपूर्ण आकर्षक और आसान मंच तैयार किया जाए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है और इसीलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम, खेल खेल के माध्यम से वो कैसे खेल सकते हैं, सीख सकते हैं और वो तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं बच्चे, उसके लिए हम लोगों ने हर स्कूल में अलग से व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों का अपने तरीके से वो मस्ती के साथ कैसे उनको ये भार ना लगे कि वो कभी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, तो वो छोटे हम लोगों ने जो नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है अभी उसके तहत भी ये है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में सीखने की बहुत क्षमता होती है। वो उसको किस लाइन पर उस समय हम ले जा सकते हैं, बातों के, खेलों के माध्यम से, तमाम गतिविधियों के माध्यम से उसका जो मस्तिष्क है उसको और कैसे करके और व्यवस्थित और उसको बढ़ा सकते हैं, उसको और विकसित कर सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और इसलिए इसके अलग से भी बाकायदा उसी ढंग का एक बच्चों वाला जो पाठ्यक्रम है उसको भी गेम्स पाठ्यक्रम उसको भी तैयार करने की कोशिश हो रही है जी। मंडाली जी जयपुर राजस्थान से आप कह रही हैं कि इस महामारी ने लोगों का को स्वास्थ्य के प्रति सजग किया है, क्या स्कूलों में सफाई व स्वच्छता संबंधी कोई निर्देश जारी किए हैं? नहीं, आपको तो मालूम है, आपको तो मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान जारी किया था। और वो जो अभियान जब उन्होंने आह्वान किया था तो देश का बच्चा बच्चा भी उस अभियान से जुड़ा। और आप सबको मालूम है कि बच्चे के मन के अंदर कितनी तेजी से
चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी क्षेत्र का क्यों नहीं हो, किसी भी व्यवसाय में क्यों ना हो आदमी, उसके मन मस्तिष्क में भी यह है कि हाँ, भारत तो स्वच्छ चाहिए, अपना घर तो स्वच्छ चाहिए, अपना अगल बगल तो स्वच्छ चाहिए, अपना दफ्तर तो स्वच्छ चाहिए, अपनी टेबल तो स्वच्छ चाहिए। और स्वभाव की जब स्वच्छ होगा तो साफ स्थान पर ही किसी चीज को साफ सुथरे तरीके से उसका वास होता है। और मस्तिष्क मस्तिष्क की भी स्वच्छता चाहिए, विचारों की जब बढ़ोतरी होती है आदमी करता है तो निश्चित रूप में उसमें नए विचार आते हैं। और लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ भारत अभियान हुआ और उसके तमाम रिजल्ट निकल रहे हैं। हम लोगों ने भी स्कूलों को गाइडलाइन दी हैं और सीबीएसई ने भी गाइडलाइन दी हैं। इतना ही नहीं तो स्कूलों के लिए स्वच्छता और इस अभियान के लिए एक छोटी से अलग से धनराशि भी उनको दी जाती है। लेकिन उसके मन के अंदर कैसे संस्कार आए स्वच्छता का, यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और गाइडलाइन सीबीएसई के माध्यम से हम लगातार देते हैं। और आपको तो मालूम है कि अभी हम लोगों ने जल संरक्षण अभियान किया था, और जल संरक्षण अभियान छात्रों ने एक दिन में 20 करोड़ लीटर पानी तक बचाने का जो है अभियान दिया था। एक छात्र एक दिन में 1 केवल लीटर पानी भी बचाएगा तो इस देश में 33 करोड़ छात्र हैं, 33 करोड़ लीटर पानी बच सकता है। तो वृक्षारोपण का भी अभियान लिया कि एक छात्र एक वृक्ष लगाएगा, और वो भी इतना बड़ा अभियान लिया, पूरी दुनिया ने उसको बहुत महत्वपूर्ण माना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर्यावरण के प्रति कितने सचेत हैं और कितने चिंतित हैं कि पूरी दुनिया इस समय जब उन्होंने मौसम परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में दुनिया के मंच पर इस बात को रखा था, तो आज सारी दुनिया के लोग महसूस करते हैं कि हाँ, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं उसकी जरूरत है पूरी दुनिया को, चाहे वो योग है, चाहे वैकल्पिक ऊर्जा का विषय है, और चाहे वो स्वच्छता का है, और चाहे वो पर्यावरण का है। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया की लीडरशिप अपने हाथ में ली है और पूरा देश इस बात को महसूस करता है। और इसलिए एक वृक्ष एक पेड़ में करोड़ों पेड़ लगाए हैं छात्रों ने, अपने हर जन्मदिन पर लोगों ने ये संकल्प लिए हैं कि वो एक पेड़ जरूर लगाएंगे और हमेशा उसकी उसकी उस सुरक्षा करेंगे और उसको माई ट्री, वो जो उनका अपना पेड़ है उसके साथ अपनी सेल्फी खींच करके हमको भेजेंगे ताकि एक स्थान पर है, और जो दूसरे वर्ष में उसका जब जन्मदिन आएगा तो फिर वो जो लगाएगा पेड़, उस पेड़ के साथ पीछे के वर्ष के पेड़ का भी फोटो वो हमको भेजेगा। इस तरीके का एक अभियान ये हम लोगों ने चलाया है और बहुत ही सफल रहा है, छात्रों में बहुत उत्सुकता रही है। जी रायपुर से बताइए, अमित कुमार यादव जी, महोदय लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी? वो मैंने बता दिया अमित जी कि भरपाई देखिए, हम लोग तो ऑनलाइन आपको पाठ्यक्रम देना शुरू कर दिया है, लेकिन क्योंकि जो पीछे का समय गया है उसको कैसे कवर कर सकते हैं, इसको भी कवर करने की कोशिश होगी। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी है उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, और इसीलिए आपने देखा होगा कि तेजी से हमने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरुआत की है। और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को भी, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हुए हैं, आ रहे हैं कि जो गरीब है वो कैसे करके पढ़ेगा, तो जिसके पास मोबाइल नहीं, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, वो कैसे, यदि नेट नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो ये दूरदर्शन का है और जो हमारा हमारे जो ये 32 चैनल है, इन 32 के 32 चैनलों में हमारे हजारों हजारों पाठ्यक्रम हैं और ऐसे वीडियो के लेक्चर हैं जो संवाद भी कर सकते हैं। और टीवी तो लगभग लगभग सबके घर पर है, डीटीएच पर है, आप डिश टीवी पर है, और टाटा स्काई पर है, और अभी भी किसी को यदि कोई परेशानी होगी तो जरूर बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ यदि 1%
ऐसा भी लगेगा कि कहीं किसी के घर में तो टीवी नहीं है। तो हम लोग जब धारावाहिक रामायण चलता था तो दूसरों के घरों में बैठ करके उसको देखते थे। तो इतनी मदद तो कोई भी करने को तैयार होगा। और मैं अभिभावक यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, यदि उनके अगल बगल कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास टीवी नहीं है या नेट नहीं है, उसको क्या मदद हो सकती है इस मानवता के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी तो पूरी दुनिया की मानवता की रक्षा की दिशा में उन्होंने कदम उठाए, और हमारा देश तो वैसे भी विश्व विख्यात रहे, पूरी दुनिया का इसको विश्व गुरु कहा है। हमारा तो हम वसुदेव कुटुंबकम की हमने बात की है, सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामय की बात की है, हमने तो वस्तु माँ सदगमय की बात की है, हमने हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमारी संस्कृति रही है। ये तो मैं और पूरा देश कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में अभी हाल में कहा कि पूरा देश एकजुट होकर के एक दूसरे की मदद में कैसे आ रहा है, ये तो उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए। और इसीलिए हमारा देश अद्भुत है, हमारे देश के लोगों की भावनाएं अकलुषित है, और वो समर्पण की किसी सीमा तक की पराकाष्ठा पर जाकर के अपने समाज के साथ खड़े होते हैं। ये छोटी बात नहीं है, और आज फिर वही दिखाई दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी वो उपयोग मिलेगा, वो पाठ्य सामग्री उन गरीब बच्चों को भी प्राप्त होगी जिसके पास नेट नहीं है। बिहार से अंकिता पासवान जी कह रही हैं कि या कोरोना की क्या महामारी हमेशा रहेगी, कोरोना रहेगी या नहीं रहेगी, इसके लिए हमेशा तैयारी रखना है। भारत बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो आपकी चिंता है, ये कोरोना की तो लड़ाई में हमने उसका मुकाबला कर लिया है। और आपको तो मालूम है, चाहे अमेरिका जैसे देश ने हाथ खड़े कर दिए, आप किस तरह दुनिया के देशों को आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया के देश हताश और निराश हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम कोरोना को भगाएंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, देश से उसको भगाएंगे, देश फिर खड़ा होगा, और जो वर्तमान में जो संकट चल रहा है इसका हम मुकाबला करेंगे। लेकिन हाँ, हमको लगातार 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 एक दूसरे को इन बातों को बातचीत करते भी रहना चाहिए, एक दूसरे को सुझाव भी देने चाहिए, एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। और ये जो दूराइयां बनाने का मंत्र है, और इस अवसर पर आप अपने को फिट भी रखिए, योग करिए। फिट इंडिया प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, योग पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के पीछे खड़ी है। तो इसका अवसर का लाभ आप उस दिशा में भी उठा सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक कोरोना का संकट नहीं रहेगा, लेकिन यदि रहेगा भी तो जब तक भी रहेगा हम डटकर मुकाबला करेंगे, ऐसे मन सबका बन करके रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं आपके जितने भी आप उसके बाद भी आपके मन में कोई विचार होगा तो आप मेरे को लेकर के जरूर देंगे। मैं एक सूचना और आपको दे रहा हूँ कि हमारा मुक्त शैक्षणिक संसाधनों का जो राष्ट्रीय भंडार है, उस राष्ट्रीय भंडार में जो NROR है उसमें 14,527 फाइलें हैं, जिसमें 401 संग्रह हैं, 2,780 दस्तावेज हैं, 1,345 संवादात्मक सामग्री है जो संवाद हो सकते हैं, और जो ऑडियो है 1,664 ऑडियो की फाइलें हैं, और 2,586 उसमें चित्र भी हैं पाठ्य सामग्री से संबंधित, जबकि 6,000 से भी अधिक उसमें वीडियो हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन पर आपको अथाह सामग्री है, और अभी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आकर्षक से आकर्षक सामग्री बच्चों को उपलब्ध हो सके। मेरे अभिभावकगण, मैं समझता हूँ कि ये चुनौती आपके सामने भी कम नहीं है, बच्चा आपके पास है, और जो अध्यापकगण है वो भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो भी चिंतित हैं। संस्थानों के जो हमारे चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे कुलपतिगण हैं, चाहे प्रधानाध्यापक हैं, चाहे प्रिंसिपल हैं, सभी लोग एकजुट होकर के बच्चे की चिंता कर रहे हैं, सभी अध्यापकगण चिंता कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं समीक्षा करता हूँ तो अध्यापक पहले की अपेक्षा और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं,
कोई टेलीफोन पर कर रहा है, जब मैं राज्यों की समीक्षा करने लगता हूँ तो हर राज्य को कोई फेसबुक से कर रहा है, कोई अन्य अन्य तमाम माध्यमों से बच्चों तक जा रहे हैं अध्यापकगण। मुझे बहुत खुशी है कि इस समय अध्यापकगण ने और संस्थाओं ने और पूरी शैक्षणिक जगत ने इस मोर्चे को संभाला हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है, ये हिंदुस्तान का इतिहास बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने नए भारत के जिस निर्माण की बात की है, यदि ये जो बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इस बड़ी चुनौती का हम मुकाबला करेंगे तो यही चुनौती निश्चित रूप में हमारे लिए अवसरों में तब्दील होकर के आएगी। जो मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी और आपका बच्चा एक पुस्तक को जरूर, जो माई बुक माई फ्रेंड जो हम लोगों ने अभियान लिया है, कि वो वर्ष में कम से कम 4 पुस्तकें ऐसे पढ़े, और ये तो वक्त बहुत अच्छा है। तो वो कौन सा ऐसा मित्र आपने चुना है, क्या नाम है उस मित्र का जो पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा, जो आपको दर्शक भी होगा, तो हर तरीके की ताकत देगा, आपके विजन को भी बढ़ाएगा, उठाएगा, आपकी प्रगति के शिखर तक पहुंचाएगा, और उसमें वो कौन आधारशिला बनने वाला आपका साथी है, निश्चित आपने उसको चुना होगा। यदि आपने उस साथी को चुना है, जरूर उस मित्र का नाम अपनी फोटो के साथ हमको भी बताइए, ताकि हम एक दूसरे से उसको साझा कर सकें, और आपको कैसा लगा जब आप पढ़ेंगे उसको, पढ़ करके भी आप जरूर बताएंगे कि आपको वो कैसा लगा, वो मित्र कैसा लगा, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला मित्र, आपकी प्रगति में अहरने साथ में चलने वाला मित्र वो कौन सा है, ये जरूर इस अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं अपने सभी अभिभावकगण का आभार प्रकट करता हूँ, और जब भी स्कूल खुलेंगे, हमारे लिए बच्चे जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, तब हम फिर आपके बीच आएंगे। यदि इस बीच फिर जरूरत पड़ी कि हमने आपके साथ आना है, तो हम लगातार बात भी करेंगे, लेकिन मैं छात्रों मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी मैं आपसे मिलूंगा और जल्दी आपसे बात करूंगा। आप अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन सबके साथ इस समय बहुत अच्छा संवाद रखिए, और उसको जरूर अपने संस्मरणों में लिखिए, क्योंकि 100 साल बाद आने वाली ये जो महामारी है, जो 1918 में आई थी, आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में वो महामारी आई थी, जिसमें 5 करोड़ से भी अधिक लोग की जाने गई थी, और जहां तक मेरी जानकारी है कि उस समय हिंदुस्तान के 2 करोड़ लोगों की जाने गई थी, और वो 100 साल के बाद फिर ये जो महामारी आई है, इस महामारी का हमको मुकाबला करना, हमको भरोसा है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे एक ऐसा संरक्षक है जिसमें ताकत है, जिसमें विजन है, और इस महायुद्ध का मुकाबला करने का उनमें पूरी तरीके से ताकत ही नहीं, उन्होंने दुनिया को दिखा भी दिया है। और इसलिए मैं छात्रों आपसे फिर निवेदन करूंगा कि अपने सफाई पर ध्यान दीजिएगा, बार बार में हाथ जो साफ करने का, दूरियां बनाए रखने का, ये जो 2-3 मंत्र हैं, इनको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप जरूर जरूर 24 घंटे याद रखेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ, बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एंड कर दीजिए।